इधर दिल्ली में और नॉर्थ भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, फेसबुक पे और फोन पे बात होती रहती है, चैट होती रहती है। अक्सर फेसबुक पे एक चैट चलती है जो नॉर्थ भारत के लोगों से चलती है, जो बुद्ध के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें लिखते हैं और बुद्ध के लिए सीधी सीधी तरह से वो उनका जो व्यवहार है या जो उनका तरीका है वो बड़ा ही कटुता से भरा हुआ है। कई बार जो और मेरे साथी हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनकी बातों का जवाब वो देते हैं, तर्क करना चाहते हैं, मगर सामने वाले जो उधर के लोग हैं वो तर्क की बजाय कुतर्क पे आ जाते हैं, वितर्क पे आ जाते हैं। मुझे वो कहते हैं कि आप चैट में हिस्सा लें और आप चूंकि धम्म को अच्छी तरह बताते हैं तो आप भगवान बुद्ध के बारे में जो ये लोग बोलते हैं उस भ्रांति को दूर करें, उनको बताएं, थोड़ा बहस में हिस्सा लें। भगवान बुद्ध ने कभी जीवन में कभी बहस में हिस्सा नहीं लिया, कभी उन्होंने किसी से बहस नहीं करी। लोग आए अपनी अपनी फिलॉसफी के हिसाब से, अपनी अपनी मत के हिसाब से, अपनी अपनी नीति के हिसाब से, उन्होंने बहस करनी चाही। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपकी जो नीति है, आपका जो मत है, आप उसके साथ रहें, कुछ भी करें, हम इसमें नहीं पड़ते, हम तो अपना काम करते हैं, और वो बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहे। कभी उन्होंने किसी फालतू बहस का कोई जवाब ही नहीं दिया, वो शांत रहते थे, अपना काम करते रहते थे। लोग आते थे, अपना बोल बाल के चले जाते थे। ऐसी एक कथा है कि एक परिवार जो उस समय बहुत ज़्यादा अग्नि पूजा में और इधर उधर की बातों में ध्यान लगाता था, ईश्वरीय चीज़ों में यानी गॉड वाली चीज़ों में, उस परिवार के लोगों ने जब बुद्ध को सुना और समझा तो वो बुद्ध की ध्यान साधना और विपस्सना में रत होने लगे। एक एक करके सारा परिवार ध्यान में आ गया, परिवार का मुखिया रह गया। मुखिया को बहुत गुस्सा आया कि उसके परिवार का सारे लोग चले गए और वो अकेला रह गया। वो हाथ में एक डंडा लेके और बड़े गुस्से से गाली बकता हुआ और जहां बुद्ध ये सिखाते थे वहां पहुंचा और बुद्ध को गाली बकने लगा। समण गौतम कहाँ है, समण गौतम बाहर निकल, समण गौतम मैं तुझे देखूंगा, कहाँ है मुंडा, कहाँ है ये मुंडिया, कहाँ है मुंडा। मुड़िया मतलब जो बालों को मुड़ा हुआ है, बालों का मुंडन किए हुए है, मुंडा और मुड़िया सारे शब्द वहीं से आते हैं। तो जब ज़्यादा शोर मचा तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसको कुछ भिक्खू बोले कि वो अंदर हैं, आपने जो बात कहनी है अंदर जा करो, कि नहीं उसको बाहर बुलाओ, मैं समण गौतम से ही बात करूँगा, कि आप अंदर आओ बैठो। बड़ी मुश्किल से उसको अंदर लेके आए, वहाँ उसने अपना गुस्सा कम नहीं होने दिया और वो जोर जोर से चिल्लाता रहा और गालियाँ बकता रहा। जो समण गौतम यानी जो बुद्ध थे वो शांति से अपना काम करते रहे और वो आवाज आती रही। कुछ देर बाद वो जब बोलते बोलते थक गया और हाँफ गया तो समण गौतम ने कहा, कहानी है जैसा बताई है कि इनको पानी वानी पिलाओ और इनको बैठाओ। पानी वानी पिलाया, बैठाओ। उन्होंने कहा, मैं नहीं पीता पानी, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, आज मैं तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। कह रहा, तोड़ लेना, अभी तो बैठो आराम से, अभी तो आपकी सांस ऊपर नीचे चल रही है। कह रहा, नहीं मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। कह रहा, नहीं आपका गुस्सा शांत नहीं होने देंगे, आप पानी पियो। तो फिर जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने अपना गुस्से में सारी बात बताई कि मेरा खानदान खराब कर दिया, सारे लोग यहाँ आ गए और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा है वैसा है। जब काफ़ी देर हो गई तो समण गौतम ने कहा कि एक बात बताओ कि आपके यहाँ कोई अतिथि आता है तो आप सत्कार करते हो? कि हाँ जी करते हैं। वो जो आपके लिए उपहार लेके आता है, गिफ्ट लेके आता है, उस गिफ्ट का क्या करते हो? कह रहे जी, वो गिफ्ट हमें देता है तो हम ले लेते हैं। और बोले, अगर वो गिफ्ट आपको स्वीकार ना हो तो आप क्या करोगे? कह रहे, अगर वो गिफ्ट हमें स्वीकार ना हो, अच्छा ना हो, तो हम उसको वापस कर देंगे। तो वापस करके वो अतिथि क्या करेगा? कहना जी, वो अतिथि अपने साथ ले जाएगा। तो बाबा, जो तुमने हमें गाली बकी और जो तुमने यहाँ गर्म टेम्परेचर के साथ में, गर्म वातावरण के साथ में, या जो आपने यहाँ पे जो ये वेदनाएं, गर्म वेदनाएं, जो दुष्वेदनाएं आपने यहाँ फैलाई हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। आपका ये गिफ्ट हमें स्वीकार नहीं है, आपका ये उपहार हमें स्वीकार नहीं है। बस इतना सोचते ही, क्योंकि बुद्ध जो वृद्ध था वो बड़ा समझदार था, वो समझ गया। उसने कहा कि मैं समझ गया श्रवण गौतम, आपके पास क्यों लोग खिचले आते हैं? कितने शांत और कितने सालीन तरीके से आपने मुझे बता दिया कि हम बुराई को स्वीकार ही नहीं करते। आप हमें बुराई दोगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी बुराई को अपने साथ ही लेके जाओगे। और मैं कितना नादान और कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं बुराई पे बुराई दिए जा रहा हूँ बिना ये जाने कि तुम तो बुराई को ले ही नहीं रहे, तुमने तो बुराई ग्रहण ही नहीं की, तुमने तो मैं जितनी भी तुम्हें गाली गलौज की तुमने तो उसमें से एक भी ली,
ये तो मेरी गाली गलौज, मेरा दुष्कर्म मेरे साथ ही जा रहा है, तो मैंने तो इतना पापक्रम और अपने ऊपर चढ़ा लिया। कहना मैं तुम्हारी बात समझ गया, बताओ मुझे क्या करना है। तो बुद्ध ने कहा कि बैठो, ध्यान साधना करो, तपस्या सीखो, समता सीखो, सील समाधि प्रज्ञा सीखो। तो वृद्ध भी वहां सीखने लगा और वो अपने आप को धन्य हो गया। धन्य का मतलब है आगे उसकी वृद्धि हो गई, समझदार हो गया, प्राप्त हो गया। तो वही मैंने अपने मित्रों से कहा था कि पंजाब में और हरियाणा के अंदर जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं या जो लोग बुद्ध के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी साथ एक दिक्कत यह है कि वो बुद्ध को जानते नहीं हैं। सिर्फ उन्होंने बुद्ध का एक नाम सुना है, बुद्ध को अंदर तक वो अभी समझे नहीं है। और बुद्ध ने कभी बहस के लिए कहा नहीं, ना ही लड़ने के लिए कहा है। और अगर वो जिस मत में हैं उस मत को भी नहीं समझे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिस मत को वो जानते हैं या जिस मत के वो लोग हैं, उस मत में उस मत का जो मताचार्य होगा या उसका जो आचार्य होगा या जो उनका टीचर होगा या जो उनका गुरु होगा, जो भी उस मत को पढ़ाता होगा, उसमें एक सिंगल लाइन भी ये नहीं लिखी होगी कि आप किसी और मत वाले को गाली बको या किसी और मत वाले जो लोग हैं उनके बारे में बहस करो या कटु वचन करो या तर्क करो या कुतर्क करो या वितर्क करो। क्योंकि संत आपस में कभी कुतर्क वितर्क नहीं करते। हाँ, संत का कोई चेला अगर निकम्मा निकल आए, संत का कोई अगर आचार्य निकम्मा निकल आए, संत का अगर कोई टीचर ऐसा निकम्मा निकल आए कि वो अपने शिष्यों को ये सिखाए कि जाओ तुम बहस करो, जाओ तुम कुतर्क करो, जाओ तुम वितर्क करो, जाओ तुम और मतों को आरोपित करो, जाओ तुम और जो मत हैं उनको नीचे दिखाओ, जाओ तुम और मतों से बहस करो, अपना काम मत करो, तो फिर उस आचार्य की और शिष्यों की आपस में उनका है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आपने बहस करनी है, हमें बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आपने मुझे डिफेंड करना है। यानी बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात को अगर कोई काटे तो आपने उसकी रक्षा करनी है, वरना तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं है, जबकि बुद्ध ने यह कहा हो कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति धर्म के बारे में कुछ कहे तो आपने उसका गला काट देना है या आपने उसको मार देना है या आपने उससे झगड़ा करना है या आपने उससे बहस करनी है या आपने उससे गाली गलौज करनी है या आपने उसको अपशब्द कहने हैं या आपने हॉट टॉक्स करनी है, वरना तो धम्म नष्ट हो जाएगा। बेसिकली भगवान बुद्ध का धम्म इतना मजबूत और इतना शानदार है कि जो इसे जान लेता है, जो सीख लेता है, उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। ना ही तो कोई वो मठ बनाता है, ना ही वो कोई आचार्य बनता है, ना ही वो किसी को कहता है, ना कोई फोर्स कहता है। ये अपने आप में इतना शांति प्रिय, इतना बढ़िया है कि उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्योंकि मैं धम्म के बारे में बात बताता हूं और धम्म ये कहता है कि इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, एक शब्द हमें नहीं कहना है, ना इसमें बहस में पढ़ना है, ना इसमें तर्क में, ना कुतर्क में। कोई अगर आपको बुद्ध के बारे में कुछ कहता है या कोई सेंटेंस कुछ कहता है तो आप शांत हो जाइए, एक जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। आप धम्म सीखते रहिए, कुछ मत कीजिए। आपका जो व्यवहार है, जो आपका आचार है, अगर आप धम्म सीखते हैं तो वही दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात होती है। धम्म का आचार व्यवहार देख के पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सारी दुनिया के देश इसको हैं, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही फिलॉसफी चलती है। हालांकि बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी फिलॉसफी सारी दुनिया में चले, उन्होंने तो अपना काम किया और वो चले गए। बस इतना कहा कि अगर आपको सुख और शांति चाहिए जीवन में तो धम्म को देखना, धम्म की प्रैक्टिस करना, धम्म को रटना मत, धम्म का गाना मत गाना, धम्म का शोर मत मचाना, धम्म का प्रचार मत करना, धम्म का कहीं पे झंडा लेके मत घूमना, धम्म को एडॉप्ट करना है, धम्म को प्रैक्टिस में लाना है, धम्म को परिवार में उतारना है। धम्म आपका कल्याण करेगा, भला करेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
चाह।